गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास टेंथ की हिस्ट्री की ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अश्विनी जी एस क्लासेस में। साथियों, आप सब हम सब एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं, जिसमें कि क्लास टेंथ की हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद में हम लोगों का टॉपिक था आज का कि नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए, महात्मा गांधी जो थे, जब असहयोग आंदोलन को वापस लेते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को महात्मा गांधी जब वापस लेते हैं, तो वापस लेने के बाद बहुत सारे विचार जो है उनके दिमाग में उठते हैं और बहुत सारे लोगों ने अनेक संगठन स्थापित करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि 1929 में दिसंबर में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिस कांग्रेस की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे, उन्होंने वहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग रखा था कि पूर्ण स्वराज हम लोगों को चाहिए। और इस पूर्ण स्वराज की मांग के चलते वहाँ पर देखा गया कि उसके बाद 26 जनवरी 1930 को मध्य रात्रि के समय रावी नदी के तट पर रात के 12 बजे तिरंगे झंडे को पहली बार फहराया गया था नेहरू जी के द्वारा, और पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था, पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाए जाने की घोषणा किया गया था। इस तरीके से हम सब देख रहे हैं कि महात्मा गांधी, उसके बाद स्वराज पार्टी का भी गठन हुआ था उसके पहले 1923 ईस्वी में, है ना, मोतीलाल नेहरू वगैरह इलाहाबाद में किए थे। और अब हम देखेंगे नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए, देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी ने नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया उन्हें, क्योंकि ब्रिटिशर्स थे जो वे नमक पर भी कर लगाए हुए थे, क्योंकि नमक रोज प्राप्त करने वाली चीज़ थी और उनको जो था उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों को नुकसान भी हो रहा था, लोगों की दिक्कतें थीं, क्योंकि लोगों को प्रतिदिन टैक्स पे करना पड़ता था। इसीलिए उन्होंने 31 जनवरी 1930 ईस्वी को वायसराय इरविन को एक खत लिखा था और अपने 11 मांग उन्होंने उनके सामने रखा था, और उनकी मांगे सामान्य मांगे थीं, जबकि कुछ मांगे उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक विभिन्न तबकों से जुड़ी हुई थी। गांधी जी इन मांगों के जरिए समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे, ताकि सभी जितने भी लोग हैं वे अभियान में शामिल हो जाएं। और महत्वपूर्ण मांग नमक कर को ख़त्म करने के बारे में था। नमक का अमीर गरीब सभी इस्तेमाल करते थे, वह भोजन का एक अभिन्न हिस्सा था, इसलिए नमक पर कर और उनके उत्पादन पर सरकारी इजारेदारी को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया था, क्योंकि महात्मा गांधी बोले कि यह एक अल्टीमेटम चेतावनी की तरह था। उन्होंने लिखा कि 11 मार्च तक उनकी मांगे अगर नहीं मानी जाती हैं तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी, और इरविन झुकने को तैयार नहीं थे, और महात्मा गांधी अपने 78 समर्थकों के साथ लेकर, मतलब वॉलंटियरों के साथ लेकर नमक यात्रा शुरू करते हैं अपने साबरमती आश्रम से, और 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर, जो गुजरात के तटीय शहर था दांडी, वहाँ पर जा कर के और गांधी जी की टोली ने 24 दिन तक हर रोज़ 10 किलोमीटर का सफ़र तय किया करते थे, और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को वहाँ पहुँच कर समुद्र का पानी उबाल कर नमक बनाकर शुरू कर दिया उन्होंने काम, और यह कानून का उल्लंघन था। और यही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है यहीं से, और यह आंदोलन अलग अलग स्तरों पर फैला, अलग अलग क्षेत्रों में फैला, और अंग्रेज़ों को सहयोग न करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए आह्वान किया जाने लगा, और देश के विभिन्न भागों में, देश के अनेक स्तर पर हजारों लोग नमक कानून को तोड़े, सरकारी नमक खदानों के कारखानों के सामने प्रदर्शन किए, आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़ों का भी बहिष्कार किया जाने लगा, शराब की पिकेटिंग की गई, किसानों को लगने लगा कि चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया, और गांवों में तैनात कर्मचारी इस्तीफे देने लगे, है ना, जंगलों में रहने वाले वन कानूनों का उल्लंघन करने लगे, वे लकड़ी बिनने और मवेशियों को चराने के लिए आरक्षित वनों में घुसने लगे। इन सभी घटनाओं से चिंतित और औपनिवेशिक सरकार कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार करने लगी, और इसी बीच कहीं कहीं हिंसक झड़प भी हुआ था। इसके बाद 1930 में महात्मा गांधी के समर्पित साथी अब्दुल गफार खान को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और गुस्साई भीड़ सशस्त्र बख्तरबंद गाड़ियों और पुलिस की गोलियों का सामना करते हुए सड़कों पर उतर आई, बहुत सारे लोग मारे भी गए थे इसमें,
और महीने भर बाद जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया तो शोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने अंग्रेजी शासन का प्रतीक पुलिस चौकियों, नगरपालिका भवनों, अदालतों, रेलवे स्टेशनों पर हमले शुरू कर दिए और भयभीत सरकार ने निर्मम दमन का रास्ता अपनाया और जिसमें कई हजार लोग मारे गए, सबको मारा पीटा। इसमें बहुत सारे बच्चों को भी मारा पीटा गया और 1,00,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद गांधी जी फिर आंदोलन वापस ले लिए और 5 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ एक समझौता दस्तखत किया और इसी के बाद, इस दस्तखत के बाद लंदन में जो गोलमेज सम्मेलन हो रहा था, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए महात्मा गांधी राजी हो जाते हैं। पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से कोई शामिल नहीं हुआ था, लेकिन भीमराव अम्बेडकर थे वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में व्यक्तिगत रूप से भाग लेने वाले व्यक्ति थे और महात्मा गांधी सेकेंड गांधी अरविंद सम्मेलन में जब वहाँ पर गए तो बहुत सारी बातें वहाँ पर सुने, लोगों ने घोषणा किया, बट अंग्रेज़ों ने उसके लिए कोई अमल नहीं किया। इसलिए तीसरा गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिनिधि वहाँ से पे नहीं गया था, लोगों ने बहिष्कार किया इसका। और 1934 तक आते आते इसकी गति भी मंद पड़ गई क्योंकि आंदोलन यह ज़्यादा समय तक नहीं चलने पाया। तो इस तरीके से महात्मा गांधी आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किए थे। इसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे कि लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया, इसे हम लोग अगले कड़ी में देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो आज तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय हिंद।